वोट तो हमारा है। गली में चोर है, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोड़ी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजस्थान का रेटी नाम जोड़ी लाल, जोड़ी लाल, राजस्थान का रेटी नाम जोड़ी। देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के हम शुरू से ही, जन्म से ही हमारी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और संघ पृष्ठभूमि से मैं खुद स्वयं आता हूं। बात यहां और कोई चीज़ की नहीं है, सिर्फ विचारधारा की है। आज हमारी पार्टी के, ठीक है, वर्तमान विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जी हैं और वो 5 साल विधायक भी रहे हमारे, क्योंकि उस दौरान जब चुनाव हुए, जब वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ, आपको सबको ध्यान में है, वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ सहकार संघ के अध्यक्ष भी रहे थे दौसा जिले के, और वो पूरी तरीके से धन बल के आधार पर वो पार्टी में आना चाह रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने जो सर्विस इंस्पेक्टर थे, वो इंस्पेक्टर से उन्होंने नौकरी छोड़ी, गबन का उनके ऊपर आरोप लगा और वो पैसे की दम पे वहाँ से यहाँ आके कुछ 2-4 प्रोग्राम बड़े किए और लोगों में भ्रम पैदा किया कि मैं बहुत सेवा करना चाहता हूँ जनता की। ये भ्रम उन जनता के बीच में उन्होंने फैलाया और इस जनता को जब समझ नहीं पाई जनता, मोदी लहर के दौरान कांग्रेस का टिकट उनको नहीं मिला तो भाजपा की पार्टी में हमने पूरी रात और दिन मेहनत करके प्रयास किया और हम जैसे कार्यकर्ताओं की सेवा को निष्फल करके और पार्टी के दम पे वो एक टिकट लेके आए और 5 साल जनता के जनप्रतिनिधि रहे। लेकिन जनप्रतिनिधि रहने के बाद में आज स्थिति ये बन गई है महुआ के अंदर कि या तो मेरी जय बोलो या महुआ छोड़ो, क्योंकि उनके अंदर वो कार्यशैली भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं, हकीकत तो यह है। और आज महुआ विधानसभा में जिस तरीके से हमारी पार्टी का जो हमारा बिल्कुल पतन कर दिया है, पार्टी में जितने भी पदाधिकारी हैं वो पार्टी कांग्रेस विचारधारा के वहाँ जुड़े हुए हैं और वहाँ एक हमारे चुनाव के दौरान में एक मर्डर हुआ था, आपको ध्यान में हो तो, बालाहिड़ी में। ये जितने भी लोग आए हुए हैं उसी परिवार के हैं, जारवाल गोत्र के। रामकिशन एक हमारा एक भाई था, उसका इन्होंने मर्डर करवाया वहाँ पे चुनाव के दौरान, पोलिंग के लास्ट दिन, और उस मर्डर में इनका भी नाम है। आज तक 5 साल के अंदर उस मर्डर की कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो कोर्ट में लंबित है और उसमें अभी तक इन लोगों का कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। और इस तरीके का भाई हमारा तो एक ही है कि पार्टी राजस्थान में आज हमारी सरकार बनाने जा रही है और महुआ विधानसभा के अंदर राजस्थान की जो सीट है, डॉक्टर कोड़ीलाल जी का कर्मभूमि है, जन्मभूमि है, और डॉक्टर साहब का यहाँ, ये दौसा जिले में नहीं, पूरे राजस्थान में आज उनका नाम है। और वो आदमी ये कि बहुत बड़े एक नेता के बारे में भी अब शब्द आपने कहते हुए सुना होगा। हम ये जानते हैं कि जब पार्टी में हो सकते हैं विचार अलग होते हैं, दल अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी के बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके की बात करना गलत है। और हमारा तो पार्टी का एक ही विचारधारा है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें पूरी पार्टी के हमारे जितने भी कैंडिडेट हम चुनाव लड़ रहे हैं, 8-10 हमारे कैंडिडेट हैं, जनरल सीट है, जनरल सीट में हम सब लोगों ने तय किया है कि ओम प्रकाश हुड्डा जैसे आदमी को अगर दोबारा पार्टी ने अगर टिकट दिया तो वह, हाँ, बिल्कुल भारी विरोध है और जनता के बीच में जाने की स्थिति में नहीं है। और आज भी हमारी पूरी पार्टी के लोग एकजुट यहाँ आए हैं आपके बीच में, हमारा यहाँ नाम बता दो, आपका नाम बता दो। मैं पप्पू जूताहेड़ा ब्रजमोहन मीणा, में जिला अध्यक्ष हूँ अभी बीजेपी एसटी। उनको लगाया हमारी सभी कार्यकर्ताओं की ये मांग है, आज जो भी विरोध प्रदर्शन हुआ सिर्फ इसलिए हुआ कि ओम प्रकाश हुड्डा जी ने महुआ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया और कांग्रेस को उन्होंने मजबूत किया, उनको पोषित किया, कांग्रेसी विचारधारा के लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया। हमारी सभी कार्यकर्ताओं की मांग है, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अगर दोबारा ओम प्रकाश हुड्डा को टिकट दिया तो कोई भी कार्यकर्ता उसका काम नहीं करेगा और वो चुनाव हारेगा। भारतीय जनता पार्टी के और भी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट देती है पार्टी तो जी जान से पार्टी उसके साथ है। उसी बूथ पर जा रहे हैं और हर बूथ पर मतदाताओं से संपर्क कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, राज्य और केंद्र का विकास आम जनता को बताकर विकास के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये चुनाव राजस्थान का चुनाव न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, ये राजस्थान का चुनाव आधारभूत ढांचागत विकास और सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य के विकास में हुए उसका चुनाव है। इसलिए जाति धर्म के आधार पर चुनाव लड़कर ये राजस्थान के अंदर पहली बार विकास का चुनाव रहा। अभी चले हंगामा, अभी जो देखने को मिला उससे क्या प्रतीत होता है, क्या लगे? अब हर राजनीतिक दल के अंदर अपने अपने समर्थक होते हैं, जो अपनी अपनी बात कहने का उनका अधिकार रहता है। किसी भी दल के अंदर ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि सभी एक उम्मीदवार नहीं होते, अलग अलग उम्मीदवार होते हैं, सब उम्मीदवारों को अपनी दावेदारी करने का हक है और इसलिए अपनी अपनी दावेदारी करते हैं। नहीं, इस प्रकार की जो घटना अभी जो है, किसी भी व्यक्ति का विरोध करना इस पार्टी के अंदर बर्दाश्त योग्य नहीं है। पहली लिस्ट केंद्रीय संसदीय बोर्ड के माननीय अध्यक्ष अमित शाह जी जानकारी देंगे। कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व में आपस में
केंद्रीय नेतृत्व, राजनेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक का कार्यकर्ता सब एक है। हम सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और हम सब एक साथ एक मुखी और एक एजेंडे पर। पहली बार देश के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम एक एजेंडे पर, और पूरे चुनाव का एजेंडा, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, एक एजेंडा 23 पॉइंटों के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं और समान तरीके से चुनाव लड़ने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने जारी की।